फ्रेंड्स, मैं मेघा फ्रॉम ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एक बिगनर हैं और वर्डप्रेस से ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आपको अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होगा। अगर अभी तक आपने अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इस वीडियो को देख कर अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप वन क्लिक में कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसमें लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड आएगा। ये स्टेप सेकंड है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद। ये सेकंड स्टेप है वर्डप्रेस ब्लॉग बनाने का, वो है वर्डप्रेस डैशबोर्ड की सेटिंग करना। देखिए, जब आप ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं जो आपके ब्लॉग के लिए नेगेटिव होती है। आपका SEO जो होता है वो नेगेटिव हो सकता है, तो आपको उन सेटिंग्स को चेंज करना होता है। तो जब आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड आएगा तो यहाँ सिर्फ आपको तीन चीजें ध्यान में देनी है। सबसे पहला अपीयरेंस, आपको अपीयरेंस में जाके सेटिंग्स करनी है। इसके बाद आपको सेटिंग्स में चेंजेस करने हैं और ये यूजर। इसके अलावा अभी आपको और भी चीजें अनटच रखनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो होस्टिंग के बारे में बताया, इसका अभी आपको कोई यूज नहीं है। ये है आपका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपको आपके ब्लॉग से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलेंगे कि ब्लॉग में क्या अपडेट्स हैं, कितनी चीजें हैं, आप पोस्ट लिखिए। तो ये सिर्फ अपडेट के लिए है। डैशबोर्ड में आपके सारे ब्लॉग की एक्टिविटीज की अपडेट्स आपको मिलेंगी। इसके बाद ये जेटपैक, ये एक प्लगइन है। आप चाहे तो इंस्टॉल करिए, चाहे तो ना इंस्टॉल करिए, ये जरूरी नहीं है, बट ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्लगइन है। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। इसके बाद आता है पोस्ट। तो जब हम ब्लॉग बनाते हैं तो ब्लॉग का वर्क है, मेन ब्लॉग बनाने का जो ब्लॉगिंग का जो मेन वर्क है वो यही है, उसमें आर्टिकल पब्लिश करना, जिसे हम कहते हैं ब्लॉग पोस्ट। तो ब्लॉग पोस्ट पे आप जाके जब ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे ना तो आपको वो सारी पोस्ट दिखेंगी जो आपने अपने ब्लॉग में लिखी है। जैसे कि आप इधर देखिए, ये पोस्ट है, यहाँ मैंने ऑल पोस्ट पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे वो सारी पोस्ट दिखेंगी जो आपने पब्लिश की है। देखिए, ये सारी मैंने पोस्ट पब्लिश की है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसके बाद आप जब एड न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अपने ब्लॉग के लिए पोस्ट लिखिए। तो जब हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस में आर्टिकल कैसे लिखते हैं तो वहां हम इन चीजों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कैटेगरी, तो हर एक पोस्ट की कैटेगरी होती है, जैसे कि ब्लॉग क्या है, तो ये मैंने कैटेगरी में डाला है बेसिक ऑफ ब्लॉगिंग, ठीक है। इसके बाद सोशल मीडिया मीनिंग इन हिंदी, तो इसे मैंने सोशल मीडिया की कैटेगरी में डाला है। तो ऐसे हमें हर अपना आर्टिकल के लिए एक पर्टिकुलर कैटेगरी बनानी होती है। टैग्स क्या होते हैं, जैसे कि जब आप आर्टिकल लिखेंगे, जैसे कि ये आप आर्टिकल लिखने के लिए आपके यहाँ पर आएगा, तो जब यहाँ पर आप आर्टिकल लिखेंगे तो आपको टैग्स देने के लिए भी ऑप्शन मिलता है, तो वहां आप टैग्स दे सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है मीडिया, ठीक है। तो मीडिया में क्या है, जैसे कि हम वीडियो अपलोड करते हैं, इमेजेस अपलोड करते हैं, तो ये तब काम आता है। वैसे मीडिया ऑप्शन का हमें बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, हम डायरेक्टली भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद पेजेस, जब भी हम वर्डप्रेस से ब्लॉग बनाते हैं, देखिए पेजेस, जब भी हम वर्डप्रेस ब्लॉग बनाते हैं या ब्लॉग बनाते हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस बनाने होते हैं, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर। तो वो पेजेस बनाने के लिए आप यहाँ पर एड न्यू पेजेस पे जाएंगे और सारे पेजेस देखने के लिए ऑल पेजेस। जब भी आप आर्टिकल पब्लिश करते हैं, इंटरनेट से यूजर आपके ब्लॉग को एसेस करते हैं, आपके आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, जब उन्हें पसंद आता है तो वो क्या करते हैं, आपके ब्लॉग में कमेंट करते हैं। तो आपके ब्लॉग पे कितने लोगों ने कमेंट किया, आप ये कमेंट में जाके देख सकते हैं, तो ये कमेंट का ऑप्शन है। इसके बाद ये दोनों चीजें छोड़ दीजिए, बिकॉज ये किसी प्लगइन के थ्रू यहाँ पे ऑप्शन है, जरूरी नहीं है। प्लगइन आपके वर्डप्रेस में कम से कम प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है, और कौन कौन से इंस्टॉल करना है उसकी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इस चैनल पे आप सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सो दैट ये जो ब्लॉग है ना, ब्लॉग बिग गाइड इन हिंदी, ये मैं आपके सामने ही बना के दिखाऊंगी। तो इसमें मैं जिन प्लगइन्स को इंस्टॉल करूंगी, उनकी सेटिंग करूंगी, वो आप साथ में कर सकते हैं। तो अभी हम सेटिंग कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम
प्लगइन सेक्शन में जाएंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको तीन सेटिंग करनी है अपीयरेंस, तो ये जो है ये इस टाइप की आपको थीम दिख रही है ना, तो आपको क्या करना है यहाँ पर थीम अपलोड करनी है। तो अपीयरेंस में जाके आप थीम अपलोड कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अपीयरेंस में जाना है, अपीयरेंस में जाने के बाद आप थीम पर जाएंगे। अब यहाँ पर वर्डप्रेस में ही आपको बहुत सारी थीम दिखेंगी, फ्री थीम है ये, है ना, तो आप यहाँ पर जाके थीम अपलोड कर सकते हैं। तो जो आपको पसंद है आप वो थीम अपलोड करिए, या जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ या जो मैं यूज करती हूँ आप वो थीम यूज करिए। आप यहाँ सर्च थीम पर जाइए और आप यहाँ पे जनरेट प्रेस, ये दिख रहा है ना आपको ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करिए। अभी देखिए आपका ब्लॉग ऐसा दिख रहा है। अब आप इस जनरेट प्रेस थीम है ना, इसको यहाँ से इंस्टॉल करिए। ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थीम है। मैं खुद अपने ब्लॉग में इस थीम का यूज करती हूँ, बट मैं, ये फ्री थीम है, मैं इसका प्रीमियम वर्जन यूज करती हूँ। प्रीमियम वर्जन यूज करने के लिए भी आपको इस फ्री थीम का इंस्टॉल यहाँ से करना होगा, और उसके बाद फिर एक प्लगइन आती है प्रीमियम वर्जन, जनरेट प्रेस का प्रीमियम वर्जन यूज करने के लिए उस प्लगइन को आपको परचेज करना होता है और अपने ब्लॉग में लगाना होता है। तो इसमें जो 30 मॉड्यूल्स हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं। देखिए अभी आपका वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रही थी, अब मैंने थीम अपलोड की है, तो अभी इसका इंटरफेस आप देखिएगा, ये चेंज हो गया है। ये आपका हेडर है, ये आपका साइड बार है, यहाँ पर आपका, यहाँ पे जो भी आप पोस्ट लिखेंगे वो आपको देखेगा। इस थीम को मैंने आपको इसलिए सजेस्ट किया है क्योंकि इस थीम से आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, और वेबसाइट की स्पीड गूगल रैंकिंग के फैक्टर में आता है। मतलब अगर आप अपने ब्लॉग को अच्छा रैंक कराना चाहते हैं तो आपकी वेबसाइट की स्पीड 3 सेकंड के अंदर ओपन होनी चाहिए। अगर बहुत आपकी वेबसाइट लोड होने में बहुत टाइम लेती है तो कोई भी यूजर उसे बाउंस बैक कर देगा, जिससे आपकी रैंकिंग गूगल में डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो ये जो थीम है क्लीन कोडेड है, लाइट वेटेड है और बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, आप बोले सर्च इंजन फ्रेंडली भी है। तो इस थीम को आप यूज करिए। अगर आपके पास बजट है तो आप इसका प्रीमियम प्लगइन भी परचेज करिए। डिस्काउंट में मैंने आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है आप, और कैसे यूज करना है उसके लिए एक आर्टिकल की लिंक भी दी है, तो आप उसे पढ़ के जनरेट प्रेस की प्रीमियम वर्जन यूज कर सकते हैं। और अगर अभी आपके पास बजट नहीं है तो आप इसका फ्री वर्जन यूज करिए, फ्री वर्जन ही यूज करिए। जब पैसे आएंगे तो उस प्लगइन को भी आप परचेज करके ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका थीम सेक्शन हो गया। अब ये देखिए कस्टमाइज विजिट मेन्यू, जब इस थीम को, जब हम यहाँ पे, आपने देखा होगा कि वेबसाइट में यहाँ पे होम लिखा होता है, अब यहाँ पे मेन्यूज बने होते हैं, विजिट्स में हम यहाँ विजिट्स बनाते हैं, वो सारी चीजें यहाँ इस ऑप्शन से करना होता है। तो ये जब हम अपनी थीम को कस्टमाइज करेंगे, हम अपनी वेबसाइट को, ये जो बिग गाइड इन हिंदी है, जब इसे हम अपना डिजाइन करेंगे तब हम इन ऑप्शंस को यूज करेंगे। अभी सिर्फ हम थीम अपलोड करेंगे। इसके बाद आप आ जाइए प्लगइन्स को, अभी हम इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, अब आ जाइए आप सेटिंग्स पे, ठीक है। तो सेटिंग में आने के बाद आप सबसे पहले आइए जर्नल सेटिंग में। देखिए जर्नल सेटिंग पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा पे साइट टाइटल, तो मैंने साइट टाइटल क्या है, बिग गाइड इन हिंदी, तो साइट टाइटल ठीक है। अब यहाँ पे आपको टैगलाइन, अगर आप टाइटल के नीचे कोई टैगलाइन देना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं, मैं नहीं देना चाहती इसलिए मैं नहीं लिख सकती। अब इसके बाद आपको यहाँ पर वर्डप्रेस, जो आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम है वो आपको यहाँ पे डालना है। देखिए अगर आपने ब्लू होस्ट से होस्टिंग परचेस की है तो आपको फ्री SSL मिलता है, और एक फ्री मतलब अथॉरिटी SSL बहुत ज्यादा जरूरी है आपके वेबसाइट के लिए, अदरवाइज आप गूगल में या ऑनलाइन बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस में सक्सेस होना है, ब्लॉगिंग करियर में सक्सेस होना है, तो आपके पास SSL सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मैंने जैसे कि ब्लू होस्ट होस्टिंग से होस्टिंग परचेज की थी तो मुझे फ्री SSL मिला है। तो देखिए डायरेक्टली यहाँ पे मुझे HTTPS मिल रहा है। अगर आपको यहाँ पे HTTPS लिखा नहीं आ रहा है तो आप एक काम करिए,
आप यहाँ से अपना डोमेन उठाइए और आप एक काम करिए, अगर आपको HTTPS लिखा नहीं आ रहा है तो सिंपली आप अपने डोमेन के सामने HTTPS लिख दीजिए और पूरा डोमेन यहाँ पर टाइप कर दीजिए। अगर आपके पास SSL है तो वो फेच कर लेगा। इसके बाद यहाँ पे भी सेम वही आपको एड्रेस डालना है। इसके बाद आपका जो भी मेल आईडी है आप उस मेल आईडी को यहाँ पर लिखिए। इसके बाद आप मेंबरशिप में आ जाइए तो एनीवन कैन रजिस्टर यहाँ पर अनचेक रहने दीजिए। इसके बाद अब देखिए न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल, यहाँ पे सब्सक्राइबर है इसे सब्सक्राइबर रहने दीजिए। जब आपका ब्लॉग काफी ग्रो हो जाएगा तो आप यहाँ पे एडिटर रखना चाहेंगे, SEO, मतलब आप जब अपना टीम बनाना चाहेंगे तो उनको एसेस देने के लिए फिर उनके रोल्स यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे सब्सक्राइबर रहने दीजिए। साइट लैंग्वेज को इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट, टाइम जोन को यहाँ पर आप कोलकाता कर सकते हैं अगर आप इंडिया में रहते हैं। देखिए कोलकाता यहाँ पे कर दीजिए। इसके बाद आप कैसे डेट फॉर्मेट रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए, जैसे कि मैंने सितंबर 16 ये फर्स्ट वाला ही रखा है। इसके बाद टाइम फॉर्मेट आप कैसा रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यही रखा है। वीक हमारा मंडे स्टार्ट होता है तो मैंने यहाँ पे मंडे रखा है। कैशिंग लेवल आप यहाँ पे नॉर्मल रखिए और यहाँ पे सिंपली सेफ चेंज पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए राइटिंग में। इसके बाद आप राइटिंग में आ जाइए। देखिए राइटिंग में आने के बाद डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप कोई आर्टिकल लिखते हैं तो उसे आपको किसी कैटेगरी के अंडर लिखना होता है। इन केस अगर आप उसमें कैटेगरी असाइन करना भूल गए तो वो बाय डिफॉल्ट अनकैटेगराइज्ड में चला जाएगा। आप चाहे तो कोई अपनी एक कैटेगरी बना के यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे अनकैटेगराइज रहने दीजिए। इसके बाद डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट फॉर्मेट को आप इसे स्टैंडर्ड रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसे सेव चेंज पर क्लिक कर दीजिए। अब आप रीडिंग पे आ जाइए। रीडिंग पे आने के बाद देखिए, जैसे कि अभी मैंने कोई होम पेज नहीं बनाया, अपने वेबसाइट में होम पेज नहीं बनाया है, तो जो भी मैं आर्टिकल पब्लिश करूंगी वो सामने इन फ्रंट में शो होगा। इन केस अगर आप होम पेज बनाते हैं तो आप होम पेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपका होम पेज पे क्या देखेगा, लेटेस्ट पोस्ट, जो भी आप आर्टिकल पब्लिश करेंगे वो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पे योर लेटेस्ट पोस्ट पे ही टिक है। जिस दिन आप होम पेज बनाएंगे तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना होम पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम लेटेस्ट पोस्ट पे रहेंगे। अब आपके ब्लॉग पे ब्लॉग में फ्रंट में कितने पोस्ट शो होने चाहिए, 10, 5, 15 कितने होने चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं 10 रहने देती हूँ। इसके बाद यहाँ पर इसको भी सेम एज 10 रहने दीजिए। इसके बाद देखिए ईच पोस्ट इन फीड, मतलब फ्रंट में जो आपको पोस्ट दिखेगी वो कैसी दिखेगी, फुल टेक्स्ट दिखेगा, पहला पूरा ही आर्टिकल दिखाएगा कि उसका एक नॉर्मल इमेज और थोड़ा सा दिखेगा और रीड मोर वाला बटन आएगा, फिर दूसरा आर्टिकल दिखेगा वैसा रखना है। तो इसे आप ना एक्सेप्ट पे क्लिक करिए, ये बेस्ट है। इसके बाद देखिए ये वाला ऑप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर जरा ध्यान दीजिए, सर्च इंजन विजिबिलिटी, इसे बिल्कुल भी टिक मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इसे टिक कर देंगे तो आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो ब्लॉग है वो गूगल में दिखेगा ही नहीं। डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, मतलब आपका ब्लॉग इंडेक्स ही नहीं होगा, तो इसे आपको बिल्कुल भी टिक नहीं करना है। ये आप सेटिंग हो गई है, इसके बाद आप सेव चेंज पे क्लिक कर दीजिए। अब आ जाइए आप डिस्कशन में अब आप आ जाइए डिस्कशन सेटिंग में। देखिए डिस्कशन सेटिंग में ये वो सेटिंग है जो मैंने अपने ब्लॉग के लिए की है, तो आप देख के भी कर सकते हैं। डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग में ये जो फर्स्ट है अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक टू फ्रॉम द पोस्ट, इसे अनचेक करिए। अलाउ लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम अदर ब्लॉग, ये जो है ना पिक बैक ट्रैक बैक, ये कुछ
बॉट होते हैं जो आपके ब्लॉग में कमेंट करते हैं और वो आपके ब्लॉग के लिए सही नहीं है, तो इसे अनचेक रहने दीजिए। इसके बाद अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट ऑन न्यू बॉक्स, तो लोग आपके ब्लॉग में कमेंट करें इसलिए मैंने इसे चेक करके रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाइए, देखिए अदर कमेंट सेटिंग में, यहाँ पे कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल, मतलब जो भी कमेंट करेगा वो अपना नाम और ईमेल देगा, आप इसे चेक कर दीजिए। दूसरा ये इसे आप अनचेक रहने दीजिए, आप देख लीजिए जैसा मैंने अपने में सेटिंग करके रखा है, ये बेस्ट सेटिंग है, आप ऐसे ही अपने ब्लॉग में कर लीजिए। यहाँ पे बस ये चीज बताऊंगी कि ये जो मैंने है कि अगर मेरी पोस्ट 28 डेज से ओल्ड हो जाती है तो मैं उसमें से कमेंट बॉक्स को ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि कमेंट के ही थ्रू लोग कुछ स्पैमी कमेंट करते हैं जो मुझे मेरे ब्लॉग के एसईओ के लिए सही नहीं है, तो मैं 28 डेज के बाद क्लोज कर देती हूँ। आप चाहे तो इसे ज्यादा रख सकते हैं, आप हमेशा ओपन भी रख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है, तो ये मैंने चेक करके रखा है। यहाँ पे देखिए इसको भी आप चेक कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आइए अनेबल थ्रेड कमेंट, इसको भी आप चेक कर दीजिए, ये इसे अनचेक रहने दीजिए, मतलब 20 कमेंट के बाद फिर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर ईमेल मी व्हेन, जब कोई पोस्ट करे तो मुझे ईमेल करिए, इसे मैंने चेक करके रखा है। अ कमेंट इज हेल्ड फॉर मॉडरेशन, कोई भी कमेंट करेगा जब तक मैं उसे अप्रूव नहीं करूंगी वो पब्लिश नहीं होगा, तो वो पहले मॉडरेशन में आता है, तो इसलिए मैंने इसे चेक करके रखा है। समवन फॉलो माय ब्लॉग को अनचेक करके रखा है। समवन लाइक वन ऑफ माय पोस्ट, लाइक कर सकते हैं, इसे चेक करके रखा है। मतलब ये आपकी पर्सनल चॉइस है ये सेटिंग, तो वो ऐसा आप कर सकते हैं। इसके बाद बिफोर कमेंट अपीयर कमेंट मस्ट मैन्युअली अप्रूव, तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं कि मैन्युअली जब अप्रूव होगी तब, नहीं मैन्युअली वो अप्रूव करेंगे, है ना। तो मैंने इसे मॉडरेशन में डाला है तो इसकी जरूरत नहीं है। कमेंट ऑथर मस्ट हैव प्रीवियसली अप्रूव कमेंट, इसे मैंने चेक करके रखा है। मॉडरेशन टू, यहाँ पे टू कर दीजिए। इसके बाद आप नीचे आइए तो आप यहाँ पर देखेंगे ये एज इट इज जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये जेटपैक के थ्रू ये ऑप्शन आ रहे हैं, अगर आपकी वेबसाइट में जेटपैक का प्लगइन है तो उसकी सेटिंग आप करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी ऐसा आ जाएगा। इसके बाद आपको सेव चेंज पे क्लिक कर देना है। सेव चेंज पे क्लिक करने के बाद अब आप आ जाइए मीडिया पे। देखिए मीडिया पे आपको वैसे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम थंबनेल बनाते हैं, इमेज साइज बनाते हैं, वो हम कस्टमाइज करके बनाते हैं, तो इसे एज इट इज रहने दीजिए और इसे सेव चेंज पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आ जाइए परमा लिंक पे। परमा लिंक सबसे 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट सेटिंग है, इसे आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिए। परमा लिंक क्या होती है, आपके वेबसाइट के जो लिंक है ना, ये तो वेबसाइट की लिंक है, जब आप कोई आर्टिकल लिखेंगे तो उसकी जो लिंक होती है वो परमा लिंक होती है, तो वो किस स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। तो देखिए जो भी परमा लिंक होती है वो जितना भी शॉर्ट एंड स्वीट हो उतना ज्यादा सर्च इंजन फ्रेंडली होती है एंड गूगल में रैंक होने की पॉसिबिलिटीज होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट नेम पर क्लिक करेंगे, मतलब जो भी आपका डोमेन है वो डोमेन आएगा, इसके बाद जो आपका मेन फोकस कीवर्ड है सिर्फ वो उसके बाद आएगा, और इससे आपकी परमा लिंक बन जाएगी। आपको नंबर्स देने की, डेट देने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूमेट्रिक्स देने की जरूरत नहीं है। आपको किस पे क्लिक करना है, पोस्ट नेम पर। ये आप याद रखिएगा, द बेस्ट सेटिंग फॉर वर्डप्रेस परमा लिंक इज पोस्ट नेम, आपको पोस्ट नेम पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और नीचे आके सेव चेंज पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको प्राइवेसी पे आ जाना है। इसके बाद आप प्राइवेसी पे आ जाइए। प्राइवेसी में देखिए, जब आप प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाएंगे ना, तो वो आप वहां यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी एंड यूज दिस पेज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने कोई प्राइवेसी पॉलिसी पेज नहीं बनाया है इसलिए इसे एज इट इज छोड़ दीजिए। जब हम बनाएंगे प्राइवेसी पॉलिसी पेज, आपको यहाँ पे क्लिक करके उस प्राइवेसी पॉलिसी को सिलेक्ट करना है और यूज दिस पेज पे क्लिक कर देना है। ये हो गई आपकी वर्डप्रेस की जर्नल सेटिंग, है ना। हमने अपीयरेंस का कर लिया, हमने वर्डप्रेस की जर्नल सेटिंग करनी है। मेनली आपको इतनी ही सेटिंग करनी होती है। एक बार आप यूजर में आ जाइए और यूजर का देखिए, यहाँ आपका प्रोफाइल बना होगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा प्रोफाइल है,
आप इस पे एडिट पे क्लिक करिए। यहाँ आपको सेटिंग नहीं करनी होती है, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस है जो आप यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। इसे आप चेक कर लीजिए, जैसे बाय डिफॉल्ट सेटिंग है आपको ऐसी ही रहने देनी है। जैसे विजुअल एडिटर को आप डिसेबल रहने दीजिए, अदरवाइज आपके ऊपर के ऑप्शंस दिखेंगे नहीं आपको। इसके बाद एडमिन कलर आप चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ब्लैक है, ये कलर है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, यहाँ अपना लास्ट नेम डाल सकते हैं, निक नेम डाल सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको देखिए, आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हैं, जो भी आपका वेबसाइट का यूआरएल है। यहाँ पे आप अपना फेसबुक प्रोफाइल यूआरएल डाल सकते हैं। जब आप अपने वेबसाइट के लिए सोशल मीडिया प्रमोशन करेंगे, सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाएंगे, आप अपनी वेबसाइट के लिए सोशल मीडिया प्रमोशन करने के लिए सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाएंगे, फेसबुक पे अकाउंट बनाएंगे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, पिंटरेस्ट पे, तो उन सबके यूआरएल आप यहाँ दे सकते हैं। तो ये आपको आपके प्रमोशन में हेल्प करेगा। इसके बाद बहुत सारे वेबसाइट में आपने देखा होगा कि वहां पे ऑथर बॉक्स बनाते हैं, तो ऑथर बॉक्स कैसे बनाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वो एक प्रोसेस है जिसमें आपको थोड़ा सा कोड की हेल्प लगेगी, तो वो मैं जरूर बताऊंगी। अगर आप देखेंगे कि ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी वेबसाइट में अगर आप देखेंगे तो वहां पे मैंने अपना ऑथर बॉक्स बनाया है, तो वो ऑथर बॉक्स कैसे बनाते हैं वो मैं जरूर बताऊंगी आपको। तो उसमें आपको आपको अपने बारे में क्या लिखना है, वो बायोग्राफी आप यहाँ लिख सकते हैं, तो वो जो आप यहाँ पर लिखेंगे तो वो आपके ऑथर बॉक्स में हर पोस्ट के नीचे शो होगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ऑथर बॉक्स कैसे बनाना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अगर आपको अपना लॉग इन आई डी पासवर्ड चेंज करना है तो आप अपना पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और बाकी सारी चीजें सेम है। इसे अपडेट प्रोफाइल में क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आपकी च्वाइस है कि आपको क्या चेंजेस करने हैं, कंपलसरी कुछ भी नहीं है। आप अपने सोशल मीडिया के अकाउंट वेबसाइट डाल सकते हैं और अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ये सेटिंग यूजर में होती है। इसके बाद सेटिंग्स इतनी ही है, बाकी वर्डप्रेस ब्लॉग बनाने के बहुत सारे और भी स्टेप्स हैं जो हम वन बाय वन देखेंगे। आज हमारी सेटिंग्स पार्ट कंप्लीट हो गया है, कल हम सीखेंगे कि कुछ पोस्ट कैसे लिखना है, पेजेस कैसे बनाना है। फिर कुछ टाइम बाद हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस के इसको, मतलब ये जो होम पेज है हमारा, इसको डिजाइन कैसे करना है, ये सारी सेटिंग्स सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि गूगल सर्च कंसोल में ऐड कैसे करना है, एनालिटिक्स में ऐड कैसे करना है, ऑथर बॉक्स कैसे बनाना है, और मोनेटाइज कैसे करना है, लास्ट हम पैसे कैसे कमाना है, ट्रैफिक कैसे लाना है, एसईओ कैसे करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।